सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। छठी कक्षा में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17। ए बी रेखा पर बिंदु ए से प्रकार द्वारा 60 डिग्री का कोण बनाओ। तो सिक्स क्लास से बच्चों मैं आपको बताता हूँ हमने कैसे इसमें कार्य करना है। सबसे पहले हम रेखा लेंगे ए बी, इस तरह से हम एक रेखा लेंगे, ए बी, और हमने प्रकार खोलनी है इस तरह से, और हमने ये ए पॉइंट आपका है, ए पॉइंट पे आपने प्रकार रखनी है और ऐसे डॉटेड चाप लगानी है, ऐसे इस तरह से हमने चाप लगानी। आपने लंब उठाए थे उसमें भी देखा था, यहाँ से हमने चाप लगाई थी, वैसे आप इसका नाम दे सकते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं आर। तो ये आर पॉइंट है, आर पॉइंट से आपने आर ए जितनी प्रकार खोल के आगे ऐसे डॉटेड चाप लगा देनी बच्चों, और जहाँ भी चाप कट रही है इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं डी, और आपने क्या करना है ए और डी को मिला देना है। तो जो पहली हमारी चाप होती है ये 60 डिग्री की होती है, आपने जब लंब उठाए थे तो उसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा था, ये देखिए इस तरह से आपने शो करना है। ये दी हुई रेखा है तो ये हल्की होती है, ये सहायक रेखा है तो ये डॉटेड होती है, और ये अंश रेखा तो ये डार्क होती है, और ये पॉइंट आपका आ गया जो रेखा पे ये पॉइंट है ये सी, तो ये आपका 60 डिग्री का कोण बन गया। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। ए बी रेखा पर बिंदु ए पर प्रकार द्वारा 30 डिग्री का कोण बनाओ। तो ये भी हमने इसी तरह से बनाना है। हम सबसे पहले एक ए बी रेखा ले लेते हैं, ये हल्की हम लेंगे, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ए, इसका नाम हम दे देंगे बी, और हमने जैसे अभी हमने 60 डिग्री का बनाया था उसी तरह से हमने ए पॉइंट पर प्रकार रखनी है, यहाँ से हमने ऐसे चाप लगानी है, और जहाँ से ये चाप हमने उठाई है इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं सी, आपने सी पॉइंट पर प्रकार रखना है और एक चाप ऊपर को लगा देनी है, इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे आर। तो हमने पहले अभी ये बनाया था, तो ये जो पॉइंट था ये हमारा 60 डिग्री का है, हमने क्या करना है इसका आधा करना है, तब हमारा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। इस तरह से आपने एक चाप सी से लगानी है, एक चाप आर पॉइंट, ये जहाँ पे दोनों चाप आपस में कट रही है यहाँ से चाप लगाइए, इस तरह से जहाँ पे दोनों चाप आपस में कट रही है इस पॉइंट का नाम यहाँ पे हम नाम दे देंगे पी। हमने क्या करना है ए और पी को आपस में मिला देना है। इस तरह से, और इस नाम लाइन का हम नाम दे देते हैं डी, तो ये हमारा बन गया 30 डिग्री का कोण। अगला हम करेंगे एक और, इसमें करेंगे प्रश्न नंबर 19। ए बी रेखा पर बिंदु ए पर प्रकार द्वारा 15 डिग्री का कोण बनाओ। तो अभी आपने सीखा एक 60 डिग्री का, फिर आपने सीखा था 30 डिग्री का, अब हम सीखेंगे 15 डिग्री का कोण बनाना। तो हम सबसे पहले वही हमारा कार्य रहेगा, शुरू से ही हमने पहले ए बी रेखा लेनी है हल्की, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही हमने ए पॉइंट पर प्रकार करके सबसे पहले हमने चाप लगानी है इस तरह से, और ये जो आपका जहाँ से हमने चाप उठाई है इस पॉइंट का नाम हम देते हैं पी। तो अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ से जब पी से हम प्रकार लगाते हैं रखते हैं और एक चाप लगाते हैं, ये चाप हमारी कितने डिग्री आती है मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये चाप ये हमारी है 60 डिग्री की। तो सबसे पहले 15 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें फिर से 30 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो 30 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, एक चाप हम लगाएंगे
60 वाली चाप से, जिसका नाम हमने देखा है ई, और दूसरी चाप हम लगाएंगे पी से, तो जहां दोनों चापें आपस में कटेगी इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे के, और हमने के और ए को डॉटेड मिलाना है क्योंकि ये हमारी सहायक रेखा है। अंश रेखा हमारी आएगी 15 के कोण वाली, तो ये जो हमारी रेखा आ रही है ये आ रही है 30 डिग्री के कोण की। तो आप देख सकते हैं ये रेखा हमारी डॉटेड है, और जहाँ पे ये रेखा हमारे चाप को काट रही है यहाँ पे, इसका हमें नाम देना होगा, ये नाम है H। तो हम क्या करेंगे, फिर P पे प्रकार रखेंगे और एक आगे को चाप लगा देंगे इस तरह से, और हमने H पॉइंट पर प्रकार रखना है, और ये 30 डिग्री का हम हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे इस तरह से, जहाँ पे ये कट रही है चाप में यहाँ पे, यहाँ से हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं D, और D से हम A तक रेखा लगाएंगे, और ये रेखा हमारी आएगी डार्क लाइन, ये हमारी उत्तर की रेखा होगी इस तरह से, आप इसको डार्क शो करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें तीन तरह की लाइनें हैं, ये दी हुई रेखा है, ये हल्की है, ये आपकी डॉटेड लाइन है सारी, ये आपकी सहायक रेखाएं हैं, ये आपकी डार्क लाइन है, तो ये आपकी उत्तर की रेखा है।